हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सवा नौ बजे से लेकर के साढ़े तीन बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं मीन हम एज ए फैमिली है तब जाकर के ग्रोथ मिलती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल टिप्स किसी का भला नहीं हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए ऐसा नहीं कि कोई दे देंगे प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा एनालिसिस सीखने को मिलेगा और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर गए हैं मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट तो आप आइए उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हर दो महीने में हम एक बार बैच करते हैं बार बार नहीं करते और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें शॉर्टकट नहीं चाहते तो आप आइए आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे अच्छा प्राइस एक्सेस लेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं अब ध्यान से समझिए नंबर वन चीज हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है कि आपको मैं निफ्टी uh, फिफ्टी के फिफ्टी स्टॉक्स है ना जी okay. सर उसमें yeah. से ऑलमोस्ट पच्चीस से तीस स्टॉक ऐसे हैं जिसमें डे ट्रेडिंग किया जा सकता है पच्चीस से तीस वो स्टॉक के नाम बता दूंगा ठीक है पच्चीस तीस स्टॉक जो है जिसमें डे ट्रेडिंग किया जा सकता है ठीक है डे ट्रेडिंग में करने से पहले या स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले आपको जो स्विंग्स करनी है करनी, या, फिर करनी है स्टडी वो आपको कैश के स्टॉक्स में करनी है स्विंग्स में मान लीजिए एफ एंडो में पोजिशन ले रहे हो तो आप एफ के स्टॉक्स में करिए अगर आपको पोजिशन स्टडी करनी है तो कौन से स्टॉक में करनी है कैश के निफ्टी 500 के स्टॉक्स में करनी है उसमें अच्छे मूवमेंट्स आते हैं उसमें लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है पोजिशन स्टडी में लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं रहता वो बिक जाता है ठीक है डे ट्रेडिंग में दिक्कत आती है तो डे ट्रेडिंग कौन से स्टॉक्स में करनी है ओनली एफ एंडो के लिमिटेड स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके अंदर करनी है इतना समझ में आता है चीजों को फिक्स रखेंगे ताकि चीजें स्मूथ रहे इतना समझ में आ रहा है यस yes. सर yes, yes, ठीक है स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है जस्ट एक मूविंग एवरेज लगा के रखना है कितने का ट्वेंटी बिल्कुल नहीं, नहीं। नाइन का ठीक है ट्रेडिंग नहीं करनी है उससे

यस सर या फिर ऐसे बनेंगे या या, या, या या फिर या, या फिर एक ग्रीन बनेग, 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 बनेगी एक रेड बनेगी ग्रीन बनेगी रेड बनेगी ग्रीन बनेगी रेड बनेगी ऐसे बनेंगे जी सर ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए जो नए हैं या पुराने हैं इस चीज को अभी समझना है कि एक्चुअल में आपका मीडियम टर्म का ट्रेंड आपका है क्या आपको कंफ्यूजन में नहीं लगा जो पच्चीस मिनट का ट्रेंड क्या है वो यही ट्रेंड है देखो कि आपका एक कैंडल आपका ग्रीन बना ठीक है अगेन ग्रीन समझ आ रहा है यस सर हो सकता है अगले दिन भी ग्रीन बने हो सकता है ना तो ये तो ट्रेंडिंग मार्केट हो गया एवरी डे फ्रेश ट्रेड करने में इतनी मुश्किल है नहीं वो तो सेटअप देंगे तब ट्रेड कर पाओगे अभी तो प्राइस बिहेवियर सीख रहे हो ठीक है अभी तो सोचना भी मत ट्रेड करने क्योंकि आपको पता ही नहीं ट्रेडिंग जिस तरीके से सिखा रहे उस तरीके से ट्रेडिंग होती नहीं ये समझ प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर ट्रेडिंग किसी और तरीके से होती तर है तो ट्रेडिंग करने के बारे में तो सोचना ही नहीं बिना सीखे ठीक है उसके बाद कोई दिन तो ऐसा आएगा कि प्राइस आपका ऐसी कोई इन डिसीजन बन जाए चाहे वो ऐसी बन जाए चाहे वो ऐसी बन जाए चाहे वो ऐसी बन जाए ऐसा किसी दिन तो ऐसा होगा हाँ जी सर प्राइस गिर रहा है हो सकता है यहाँ पे ऐसी कैंडल बन जाए हो सकता फिर अगें अगें है फिर अगेन ऐसी अगेन ट्रेड कैंडल बन जाए अगेन ऐसी कैंडल बन जाए पॉसिबिलिटीज है ना Yes, थाँगा। है। थाँगा। 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 आप, अब चीज को ध्यान से से समझना आपको आपको में में बिल्कुल सही तरीके समझ आ जागा। जागा? समझ में आ आ आ जाएगा 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 क्या क्या है और आपको का ट्रेंड क्या है आपका क्या क्या है है और देखो आपका प्राइस ऊपर गया अगेन आपका कोई इन डिसीजन करना वो ऐसी भी बन सकती है वो ऐसी भी बन सकती है वो ऐसी बन सकती है ठीक है जिसके विक ज्यादा वो इन है प्राइस के अंदर कि उसमें नंबर ऑफ बायर सेल क्या है नंबर ऑफ बायर सेल ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है ग्रीन कैंडल तभी बनी जब नंबर ऑफ नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर इन बैलेंस है ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल तभी तो बनेगी ना जब एक चीज ज्यादा होगी और जो ज्यादा वीक वाली कैंडल कब बनेगी जब नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर बैलेंस्ड है समझ में आ रहा है यस सर ठीक है तो आपकी ऐसी इन डिसीजन बस यही पे आप चीज समझ लीजिए ठीक है ये आपके लिए सब, कहने, सबसे सबसे बेस्ट चीज है कहने का मतलब अभी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं थोड़ा डीप में समझना कहने का मतलब क्या है कि आपको पूरा पता लग जाएगा कि साइडवेज क्या है पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या एवरीथिंग आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी

कोई भी साइडवेज मार्केट कितने स्विंग्स के बाद कंफर्म हो जाता है तो मैं, मैं, मैं नहीं पढ़ा रहा आ, तो स्विंग मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी बन सकती है यहां से साइडवेज होगा अंडरस्टैंड तो प्राइस आपका ऊपर गया ठीक है या फिर प्राइस आपका नीचे आया ठीक है उसके बाद या तो दो ही चीजें हो सकती है या तो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर आपकी रेड कर्नल बनेगी या फिर एक आपकी इनडिसीजन कर्नल बनेगी या फिर इन साइड है। है हाँ. ठीक है। ठीक है। तो क्या होगा प्राइस तो पहले रनिंग था पहले रनिंग था ना पहले दिन ट्रेंडिंग था अब प्राइस क्या होगा एक रेंज के अंदर हो गया ठीक है तो इस रेंज के अंदर अगले दिन या तो दो ही चीज हो सकती है या तो इस रेंज का ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो Yes, sir. जी सर यस सर या फिर अगले दिन भी ये रेंज रेंज में रहे हो सकता है ऐसा प्राइस पांच से सात दिन रहे जी सर यस सर तो इन इस लेवल को वाच करना है क्या कहने का मतलब अगर जब ऐसा स्क्रिप्ट में होगा दो दिन आपका ऐसे बन गया तो साइडवेज आपका ऑलमोस्ट कन, कंफर्म होने के रडार पे आ गया थर्ड अटेम्प्ट के ऊपर आप

कल जो स्टॉक मैंने बताया था वो रडार पे रखे थे निफ्टी रडार पे था तो अब जब ये जितने भी दिन है इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो आपका या तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा या नीचे की साइड ब्रेकआउट होगा आफ्टर तो ना पर, yes, तब, तब तब इनके ऊपर अगेन रोज फ्रेश रेंज ब्रेकआउट होगा बाई करते जाओ क्या करते जाओ बाई करते जाओ जब तक आपको वो पैसा दे रहा है ठीक है अब आगे ऊपर जाने के बाद किसी ऐसा प्राइस ऐसे कभी नहीं चलता किसी ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया फिर ऐसा कभी भी आपको फंसाता नहीं है 98 परसेंट टाइम नहीं फंसाता वी से रिकवरी होती तब अलग बात है कि एक परफेक्ट डिमांड जोन में हिट हुआ अदरवाइज प्राइस आपको ऊपर की साइड एंट्री करने के लिए भी टाइम देता है कंसोलिडेट करता है तब नीचे गिरता है और नीचे के टाइम भी आपको कंसोलिडेट करता है टाइम देता है या ऊपर बढ़ने के लिए या नीचे बढ़ने के लिए तो प्राइस आपका ए, दो दिन से लेकर पांच दिन सात दिन साइडवेज साइडवेज रहेगा तब के हिसाब से अपने आपको सेव करके रखो उसी हिसाब से पैसे बनाओ और जब उसके बाद ट्रेंडिंग होगा तो ट्रेंडिंग के हिसाब से पैसे बनाओ समझ में आ रहा है क्या करू जी सर ठीक है ठीक है देखो प्राइस आपका ऊपर जा रहा है यहाँ दो कैंडल बनी ठीक है और यहां पे आपकी कौन सी कैंडल बनी एक बनी का मतलब ठीक है अब हमें नहीं पता कि प्राइस नहीं पता ना? जी, नहीं है? और सपोज करो कि इन डिसीजन और अगले दिन अगेन ब्रेकआउट कैंडल बन ब्रेकआउट कैंडल बन गई इसको बड़े ध्यान से समझना है ठीक है ये ब्रेकआउट कैंडल बन ब् गई ठीक है तो ये तो आपका इनडिसीजन जोन था

Yes, तो, yes, तो, yes, समझ रहा है? Yes. तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है ऐसा तो नहीं होता ठीक है प्राइस आपको गैप फिल करने आता प्राइस आपका दो कैंडल ग्रीन, ग्रीन बनी या तीन डिबादी जितनी बनी उसके बाद इन कैंडल बना ठीक है यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अगले दिन हो सकता है यहाँ पे पांच से सात दिन कर ठीक है तो इस जोन में अपने आप को हमेशा सेफ रखना है यानी मतलब छोटे छोटे ट्रेड करना है टॉप पे सेल करना बॉटम पे बाई करना टॉप पे सेल करना बॉटम पे बाई करना पॉजिटिव अपट्रेंड है, है, है ना पॉजिटिव अपट्रेंड है लेकिन ये जो जोन है ये क्या पॉजिटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन जोन है अंडरस्टैंड अब प्राइस हमेशा किसी भी जोन को हिट करने के बाद ब्रेकआउट करेगा और प्राइस जंप करने जाएगा ठीक है जंप करने के बाद ऊपर के लेवल पे जब गिरेगा तो दो चार दिन कंसोलिडेट करेगा ऐसे गिर ही नहीं सकता नहीं गिर सकता आपको प्राइस पूरी अपॉर्चुनिटी देता है डेली टाइम में कंसोलिडेट करेगा तो स्टॉक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया मतलब स्टॉक सिलेक्शन के साथ प्राइस बिहेवियर को मिक्स मिक्स में आपको क्लास करके समझा रहा हूँ ऐसे हो सकता है और आपका प्राइस बिहेवियर भी एक साथ अंडरस्टैंड हो सकता है ठीक है तो आपका किया दो दिन से ज्यादा कर गया तो आप समझ गए ना कि क्या होने वाला है ये, ये इस जोन को आपको लाइक करना है इस जोन में छोटे छोटे अब डेली के अंदर जब प्राइस ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा ठीक है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आपकी डेली की एटलीस्ट दो बनेंगी ना तो यहाँ पे राइड कर लेना स्विंग ट्रेड भी कर लेना ठीक है या फिर डे ट्रेडिंग करोगे तो बॉटम पे जब भी बाई मिले तब कर लेना सिंपल है ना एंट्री बेसिक नहीं आती अभी एंट्री भी नहीं आती अब ना ही आप सीख सकते स्टेप बाय स्टेप चलेंगे न, क्यों तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आपकी दूसरी तीसरी क्लास में इतना एडवांस सिखा दे रहा हूँ आगे तो बहुत कुछ है ना पार्ट वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको समझ में आ रहा है ठीक yes, है

तो कहीं ना कहीं तो एक indecision बनेगा, तो तो इन बनेगा तो इन डिसीजन को ब्रेक करके या तो ऊपर की साइड प्राइस जाना शुरू होगा कि कहीं का अगला इन होगा वहां तक जाएगा बीच में नहीं रुकता मतलब एक डेस्टिनेटी होती है प्राइस की प्राइस की ऑर्डर पिकअप जोन मतलब अगर सारे टाइम फ्रेम का आप अलाइन करोगे तो प्राइस की पहले से डिसाइड एक destiny वो चार्ट पे दिखता है वहीं जा रहा होता है कहीं नहीं जा रहा था आप बिना काम में फंस के अपना पैसा कमा रहे होते हैं। या तो ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा या फिर क्या करेगा अगले दिन अगेन फिर एक इसी रेंज के अंदर है ना बहुत सारे लोग जो नए हैं वो कहेंगे इससे इससे थोड़ा सा ऊपर निकल गया नीचे निकल गया तो ये तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं फर्स्ट पे ब्रेकआउट अटेपाउन हो तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की क्लास होगी वो दूसरा होता है जो पुराने सबको पता है कि थोड़ा ऊपर निकल जाए तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं रिटेस्ट वाला कंफर्म होगा ठीक है तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है ही नहीं समझ आ रहा है

नेगेटिव था यहाँ से चले ठीक है डाउन यहाँ से चले तो ये देखिए फर्स्ट डे अगले दिन ब्रेकआउट होकर रेंज में घुस गया प्राइस रेंज में क्लोज हुआ ना यस yes, सर तो ये दो ये आपकी दो दिन की रेंज है अंडरस्टैंड है यस yes, सर अब देखो दो दिन की रेंज है अब दो दिन की रेंज के बाद अगले दिन तीसरे दिन इस रेंज का क्या हुआ ब्रेकआउट हो गया हो गया ना रेंज के अंदर तो प्राइस क्लोज नहीं हुआ यस yes. है। अब ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस क्या कर गया प्राइस कर गया जंप यस सर जंप कर गया तो पहले तो नीचे आएगा बिल्कुल आएगा सर पिकअप सोलह चार सौ से, से लेकर निफ्टी की ऑलमोस्ट छह सौ पॉइंट की रिकवरी आई ठीक है तो प्राइस तो जंप कर गया अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर की वजह से ठीक है अब जंप कर गया तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं इतने टॉप पे पेटलिस्ट बाई करना ध्यान से समझिए ठीक है तो प्राइस क्या होगा अगेन ऊपर जाएगा तो अगेन या तो इंडिसिजन कैंडल बनेगा या फिर कंटिन्यूसली ग्रीन 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 कैंडल बनेंगे ना यस सर ठीक है तो आपका क्या हुआ इंडिसिजन कैंडल बन गया ध्यान रखिए इंडिसिजन कैंडल बन गया तो ये मीडियम टर्म का बेसिकली नेगेटिव था ध्यान से समझिए मीडियम टर्म का ये 2 आवर्स के अंदर अंडरस्टैंड करना नेगेटिव था बट प्राइस जंप कर गया तो प्राइस यहां से ऊपर गया

टू आवर्स का ओके okay. इसका कलर मैं कंप्लीटली रेड कर देता हूँ ठीक है अब समझ में आ रहा है ठीक है अब देखिए इस लेवल से ऑर्डर पिकअप हुआ और प्राइस अगेन जंप कर गया कर गया ना और तब तक इस इस स्क्रिप्ट में हम डाई ऑन डिप्स करते रहेंगे जब तक कोई इन डिसीजन कैंडल नहीं बने कर गया ना यस अगेन अगेन जंप करने के बाद प्राइस क्या हुआ आपका एक साइडवेज में चला गया yes, yes. क्यों, क्योंकि क्लोजिंग तो अंदर आई है ना तो, तो ती, तीसरे दिन आपको ट्रेड इसी हिसाब से करना पड़ेगा टॉप पे सेल बॉटम पे बाई तीसरे दिन तो ना दो दिन साइड में चला गया ठीक है तो अब आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है अब आपके लिए ये हो सकती है कि प्राइस आपका यहां से देखो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको टू आर्स की वेब प्रॉपर समझना जाएगी ये मेरी अपनी स्किल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये कोई कहीं लिखा नहीं है ऐसा ठीक है लेकिन हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल है ठीक है प्राइस ऊपर गया ठीक है और यहाँ पे आपका साइडवेज है तो हायर चांसेस ऐसे साइडवेज मार्केट तो मीडियम टर्म के ये। और ये, या फिर ऊपर की साइड ब्रेक करें उपर, या या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट ब्रेकआउट करें करें ना यस सर या, या या फिर नीचे की साइड था साथा। yes. तो ब्रेक डाउन करें ठीक है यस तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर गया तो मीडियम टर्म की पॉजिटिव वेव होगी इसमें टू आर्स के अंदर बाय ऑन डिप्स कर लेंगे ठीक है कब तक जब तक कोई इनडिसीजन कैंडल ना बने क्या ना बने इनडिसीजन कैंडल तो, तो पे अगले दिन क्या हुआ इसकी विक जो है बॉडी के बॉडी से सेवेंटी परसेंट नहीं अगेन क्या हुआ प्राइस गैप डाउन खुला और इसकी विक क्या होगी बन गई यस इंडिसीजन बन गया ठीक है अब इन इन चार दिनों में पांच दिनों में निफ्टी में हमने बढ़िया पैसा कमाया अगर ध्यान से समझा होता तो हाँ सर। नहीं नहीं कमाया होता नहीं कमाया होता ना क्या कमाया होता कमाया होता अगर चीजों को समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको बढ़िया पैसा कमाया होता ऐसे प्राइस को समझना पड़ेगा ठीक है अगेन प्राइस आपका इस लेवल पे किया अब क्लोजिंग इस अब मेरे माइंड में होगा कि इस स्क्रिप्ट का एटलीस्ट ब्रेकआउट होगा ठीक है तो अगले अगले तीन दिन तक फिर मैंने पैसा कमाया? कमाया ना ठीक है तो अब क्या होगा कमाया, तो फिर इन इन डिसीजन क्या बन गई क्योंकि यहां पे यही पॉसिबिलिटीज है ना क्या बोलते हैं ये प्राइस इधर साइड आ गया ठीक है ये तो ऐसे हो सकता है हो सकता ना अगर ऐसे नहीं होगा तो ब्रेकआउट करेगा करेगा ना और ब्रेकआउट करने के बाद अगेन प्राइस क्या चला क्या गया इस तरीके से आपको कोई भी नहीं सुखाया दुनिया में ठीक है साइडवेज वाला गया तो ये कह आपकी है आपके इंडिसन कर सर अगले दिन क्लोजिंग आपके ऊपर आ गई आ गई ना ठीक है क्लोजिंग आपके ऊपर आ गई ठीक है अगेन उसके अगले दिन देखोगे तो क्लोजिंग अगेन फिर आपके ऊपर आई आई ना

अब उसके बाद एक दिन तो हमें आ, मतलब टाइम चाहिए ना आप अगर ओवरऑल देखोगे ठीक है यहां से एक दो तीन चार दिन एक ये प्राइस एक चार दिन एक रेंज में रहा है हाँ चार दिन एक रेंज में रहा है और इस रेंज का क्या होगा ब्रेकडाउन हो गया ब्रेकडाउन हो गया तो मैंने निफ्टी का सही तो डाला अठारह एक सौ के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो गया तो क्या करना है सेल करना, करना है और प्राइस कहां तक जाए nice. प्राइस और तो, तो ये मीडियम टर्म की नेगेटिव होगी। हो गया हाँ हो ना यस yes, मीडियम yes, टर्म की नेगेटिव वे होगी तो एवरी राइज इज निफ्टी में सेल अपॉर्चुनिटी लास्ट दो दिन से कमा रहे हो के तो मीडियम टर्म इजी है ना अंडरस्टैंड डेली टाइम ऐसे ही स्टॉक सिलेक्शन होगा कहने का मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक्स को देखोगे ठीक है अब तो तीस पैंतीस दो स्टॉक्स बताऊंगा नाइन इनकी मूविंग एवरेज के ऊपर देखिए नाइन के मूविंग एवरेज के ऊपर किसकी क्लोजिंग आई है ऊपर या नीचे ठीक है तो नाइन की मूविंग एवरेज क्लोजिंग आई तो या तो क्लोजिंग आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे देखू क्लोजिंग आई यही देखो क्लोजिंग आने के बाद या तो साइड वेज में चला जाएगा या फिर ट्रेंडिंग हो जाएगा है ना यस yes, तो को, मतलब दो लिस्ट बना कि कि रहेगा रोज थोड़ी आपको देखो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चक्कर में ट्रेडर्स अपना पूरा ट्रेडिंग करियर खराब कर लेते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एक स्क्रिप्ट को पकड़ के आप पैसा कमा सकते ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट थर्टी परसेंट से ज्यादा ट्रेंडिंग रहती नहीं है पूरे महीने के अंदर बाकी दिन जो होते हैं वो ध्यान से ट्रेड करने वाले होते हैं फिल्टर करने हो कि आपके दो दिन से ज्यादा टेन कर, कर, अगर आपकी रही तो आप साइडवेज मार्केट के हिसाब से करो और उस रेंज को अगर ब्रेक कर गई तो ट्रेंडिंग बन जाओ मार्केट के हिसाब से तो देखो यहाँ पे अब पूरा व्यू चेंज हो गया ना पूरा व्यू चेंज हो गया अब इसको टू अब इसको 2 आवर्स में कन्वर्ट कर दो तो 2 आवर्स में आपको लॉन्ग 2 आवर्स के अंदर आपको मतलब मैं जो पॉजिटिव है उनको ग्रीन करता हूं और जो नेगेटिव है उनको रेड करता हूं पॉजिटिव दिस पॉजिटिव है तो मैं इनको ग्रीन करता हूं कन्वर्ट कर दो, तो इजीली ट्रेंड पता लग जाएगा ना आपको, बताओ, तो। नहीं सर, कुछ भी मुश्किल है ट्रेंड, ट्रेंड, मतलब आपको मीडियम टर्म का 125 मिनट का ट्रेंड फाइंड आउट करने में कुछ भी तकलीफ है क्या? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, जो पुराने हैं वो बताइए, है। नहीं सर, नहीं सर

बाकी नए लोगों के लिए नए लोगों को नए लोगों के लिए सर ये सिंपल uh, है विद मूविंग एवरेज अगर आप देखें और उसको अगर ऐसा मैप करें बट मैं सच गू तो मतलब थोड़े दिन अगर जैसे आपने लास्ट वीक week, जैसे वीकली का करने बोला था 125 का मिनट का जो स्टैटिक डायनामिक आपने कहा था हा हा। अगर अगर इंसान उस उसपे भी सिर्फ काम करे सिर्फ उस उसपे तो उसको अच्छे लंबे लंबे अच्छे ट्रेड मिलेंगे ये बाकी साइडवेज में दिमाग खराब हो जाएगा